हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। क्या लालू परिवार में फिर छिड़ा घमासान? लालू की कुर्सी में क्यों बैठे तेज प्रताप? तेज प्रताप ने क्यों लगाया जनता दरबार? तेजस्वी के गोल गप्पे खाने से तेज हुई अटकलें? क्या दोनों भाई में पिता की जगह लेने की छिड़ी जंग? पिछले काफी दिनों से घर और सियासत से दूर अपनी घरेलू समस्याओं में उलझे रहे तेज प्रताप फिर से सियासत में सक्रिय हो गए हैं। उनकी सक्रियता एक बार फिर सुर्खियां बन गई हैं। तो दूसरी ओर इसे राष्ट्रीय जनता दल में घमासान के तौर पर देखा जाने लगा है। दरअसल तेज प्रताप ने लालू यादव के कक्ष में जनता दरबार लगाया और जो बयान दिए उसे लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वो पार्टी में अपने पिता की जगह लेना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ तेजस्वी ने गोल गप्पे क्या खा लिए, अटकलों का बाजार गर्म हो गया। पटना में तेज प्रताप पार्टी कार्यालय में जनता दरबार लगाकर पार्टी कार्यकर्ता के अलावा आम लोगों के दुख दर्द भी सुन रहे हैं। यही नहीं, लोगों की समस्या के समाधान के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क भी कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी होती तो ठीक था, लेकिन बात इससे आगे तक गई। यहाँ पत्रकारों से बातचीत में तेज प्रताप ने जो बात कही वो किसी के लिए भी चौंकाने वाली हो सकती है। तेज प्रताप ने कहा कि अगर पार्टी की कमान उन्हें मिलती है तो वह पार्टी को संभालने के लिए तैयार हैं। यह बात इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि अभी तक तेज प्रताप तेजस्वी को कृष्ण और खुद को बलराम बताते आ रहे थे। तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है, जहां एक तरफ उनकी ही पार्टी के नेताओं के लिए कुछ भी सफाई देना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अपने छोटे भाई तेज प्रताप यादव के साथ मतभेद की अटकलों को खारिज करते हुए तेज प्रताप ने इसे दुष्प्रचार बताया और कहा कि उन्होंने एक जनप्रतिनिधि और पार्टी नेता के तौर पर जनता की समस्या को सुनने के लिए जनता दरबार लगाने की शुरुआत की है और इसे नियमित रूप से जारी रखेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि उनके पिता लालू यादव भी ऐसे ही अपने पास आए लोगों से मिलकर उनकी फरियाद सुना करते थे, लेकिन विपक्षी दल कहां मानने वाले, उन्हें तो आरजेडी पर हमले का एक और मौका मिल गया। जेडीयू ने तो आग में घी डालने का भी काम कर दिया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि तेज प्रताप यादव को आखिर आरजेडी की कमान क्यों नहीं मिल सकती है। तेज प्रताप यादव राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं। शैक्षणिक योग्यता में भी तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप चुनाव में भी बहुत अधिक वोटों के अंतर से जीते हैं। अगर वह पूजा पाठ करते हैं, बांसुरी बजाते हैं तो गलत क्या है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी नेताओं में हिम्मत है तो तेज प्रताप यादव का विरोध करके दिखाए। जहां एक तरफ तेज प्रताप के लालू स्टाइल में जनता दरबार लगाने की चर्चा है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लालू स्टाइल में सड़क के किनारे गोलगप्पा खाते देखे जाते हैं। तेजस्वी यादव पटना के डाक बंगला चौराहे पर काफिला रोककर गोलगप्पा खाते दिखे। ऐसे में विरोधियों को यह कहने का मौका भी मिल गया कि आरजेडी में लालू यादव का उत्तराधिकारी बनने के लिए दो भाइयों में होड़ मची हुई है, इसीलिए दोनों ही लालू स्टाइल को कॉपी करने में लगे हुए हैं। अब सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन लालू परिवार एक बार फिर से दोनों भाइयों को लेकर चर्चा में है। पिछले दिनों दोनों भाइयों को लेकर
थम चुकी अटकलों को एक बार फिर से खाद पानी मिल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज नेटवर्क। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।